हर तरह की चुनौती के लिए तैयार है भारतीय वायुसेना। अपनी 91वीं सालगिरह के मौके पर वायुसेना ने यह वीडियो रिलीज किया। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी पर वायुसेना की लगातार नजर बनी हुई है। We are constantly monitoring the situation across borders through persistent ISR, and we make note of the build up of resources and capabilities across the borders. Our operational plans are very dynamic and keep changing based on the situation that we perceive that is developing across any front. अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की साझेदारी पर भारत की नजर है। खासकर चीन ने जिस तरह से F-17 लड़ाकू विमान की तकनीक पाकिस्तान को दी है, उसकी वो समीक्षा कर रही है। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच में हो ही रही है। ये F-17 मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है पाकिस्तान में। 25 JT-30 का कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान का सेना के थ्रू, और लगभग 15 से ज़्यादा उनको ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। वी कीप ऑब्जर्विंग दीज ट्रेंड्स, एंड जहाँ तक हम टेक्नोलॉजी का सामना टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, पर जहाँ पे नहीं हो सकता है, हमारी ट्रेनिंग और न्यू टैक्टिक्स हमेशा कंटिन्यूसली इवॉल्व होते रहेंगे। प्रयागराज में होने वाले वायुसेना दिवस समारोह में शायद यह अंतिम बार होगा कि MiG-21 उड़ान भरेगा। 2025 तक वायुसेना से सारे मिग रिटायर हो जाएंगे और उसकी जगह देसी तेजस ले लेंगे। भारतीय वायुसेना को नए समय की चुनौतियों का एहसास है। अगले 7-8 साल उसके लिए काफी अहम होंगे। इस दौरान वायुसेना 2.5 से 3 लाख करोड़ के हथियार खरीदेगी। इसमें लड़ाकू विमानों से लेकर तमाम तरह के साजो सामान शामिल होंगे। नई दिल्ली में कैमरामैन जेवियर के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।